उधमपुर शहर अब खड्डों का शहर हो गया है। जी हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। उधमपुर शहर में आप किसी भी जगह चले जाएंगे तो आपको गड्ढे ही गड्ढे दिखेंगे। वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जिस तरह से देविका प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, सीवरेज का कार्य चल रहा है, वो कई बार उसके ऊपर सवालिया निशान भी उठाए गए हैं। लेकिन जो आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, क्योंकि सीवरेज कार्य को लेकर कई बार लोगों द्वारा प्रदर्शन भी किया गया है और यहां पर जितने भी उधमपुर के शहरवासी हैं, चाहे वो बच्चा है चाहे बड़ा, जो भी लोग हैं, ये जो सीवरेज का कार्य हो रहा है उस कार्य प्रणाली से बिल्कुल भी खुश नहीं है। पूरे उधमपुर की शहर की सड़कों को, नालियों को, गलियों को उखाड़ के रख दिया है। लेकिन जो आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ वो ये है कि यहाँ पर सीवरेज का कार्य किया गया है, पाइपें जो वो बिछाई गई हैं, लेकिन जिस तरह से ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर की गई है वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये जनता का पैसा है, टैक्स जनता दे रही है, लेकिन उस पैसे का किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है मैं वो आपको दिखाना चाहूँगा। देखिए, ये ब्लैक टॉपिंग की गई है, लेकिन देखिए ये जगह पूरी बैठ चुकी है। इस तरह का कार्य करने का क्या फ़ायदा है? देखिए, गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं। मैं सिर्फ आपको एक जगह की तस्वीर दिखा रहा हूँ, जो सैलर तालाब से लेकर जो विनस चौक तक जो रास्ता जाता है, उस रास्ते का ये हाल है कि ब्लैक टॉपिंग यहाँ पर की गई है। लेकिन ब्लैक टॉपिंग के बाद भी देखिए रास्ता बिल्कुल बैठ चुका है, गाड़ियाँ यहाँ पर चलती हैं, वो डांस करती हैं। देखिए किस तरह से गाड़ी आ रही है, गाड़ियों को कितनी ज़्यादा मुश्किल आ रही है, आप इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से जो देवी का सीवरेज का कार्य चल रहा है वो किस तरह से किया जा रहा है। आम जनता का पैसा लगा है, हालांकि 186 करोड़ का जो ये प्रोजेक्ट है, लेकिन किस तरह से यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई है वो आप खुद दृश्य देखिए। हालांकि रोज़मर्रा यहाँ पर उधमपुर शहर के लोग सीवरेज का जो कार्य चल रहा है यूईडी विभाग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको ये तस्वीर दिखा रहा हूँ, यहाँ पर पाइपलाइन बिछाई गई है, उसके बाद यहाँ पर सोलिंग की गई है और उसके बाद ब्लैक टॉपिंग की गई है। लेकिन ब्लैक टॉपिंग देखिए किस तरह से की गई है, कितना लोगों को यहाँ पर जो है परेशानी आ रही है, ये देखिए कितने बड़े खड्डे हो चुके हैं। हालांकि ब्लैक टॉपिंग पूरी तरह से की गई है यहाँ पर, इसका जिम्मेदार कौन है कोई पूछने वाला नहीं है, यूडीए विभाग को कोई भी पूछने वाला नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्य किया गया है, ये ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, यहाँ पर पूरा कार्य किया गया है। हालांकि कई बार लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि उन लोगों के घरों में पानी सीवरेज की, देखिए गाड़ी किस तरह से आ रही है, आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये कार्य किया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई भी सुध लेने वाला यूईडी विभाग की नहीं है। जिस तरह से देवी का प्रोजेक्ट यहाँ पर चल रहा है, 186 करोड़ का प्रोजेक्ट है, कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है। लेकिन देखिए किस तरह से यहाँ पर कार्य किया गया, ये देखिए ब्लैक टॉपिंग की गई है, लेकिन ब्लैक टॉपिंग के बाद देखिए ये जगह सारी बैठ चुकी है। अब इसके ऊपर कौन गौर करेगा, ये बहुत बड़ा निशान है। हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, सब लोग देविका प्रोजेक्ट के नाम से परेशान हो चुके हैं। पूरे शहर की जितनी भी सड़कें हैं वो देखिए, ये ऑटो जा रहा है, आप खुद देखिए कि यहाँ ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है। मैं आपको इसलिए ये तस्वीर दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर पहले सड़कों को उखाड़ा जाता है और उसके बाद दो दो महीने तक कार्य नहीं किया जाता। लेकिन अगर आज की मैं बात करूँ, आज दिन की बात करूँ, आदर्श कॉलोनी अगर आप जाएंगे, वहाँ पर जो पाइपलाइंस पहले बिछाई गई थी, आज उन द्वारा पाइपलाइंस को उखाड़ा गया है। इन सब का जिम्मेदार कौन है? जनता का पैसा इस तरह से बर्बाद हो रहा है, कोई भी यहाँ पर पूछने वाला यूईडी विभाग को नहीं है। किस तरह से, किन मापदंडों के आधार पर यह कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। लोगों को काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ आ रही हैं, लोग रोज़मर्रा यहाँ पर चलते कि गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी हैं, गाड़ियाँ कब से यहाँ पर वेट कर रही हैं कि एक जगह से गाड़ियाँ बंद होंगी तो हम अपनी गाड़ी निकाल पाएंगे। देखिए आप खुद देखिए कि किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है, ये बहुत बड़ा एक सवालिया निशान है। पिछले 1.5-2 साल से देवी का प्रोजेक्ट का कार्य चल रहा है, लेकिन अभी तक आप देखिए कि किस तरह से ये कार्य कर रहे हैं। हर एक व्यक्ति परेशान है, रोज़ दिन हम देखते हैं कोई ना कोई व्यक्ति सीवरेज को लेकर प्रोटेस्ट करता है या एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाता है, लेकिन इनके कानों में जूं तक नहीं रहेंगी। देखिए किस मापदंडों के आधार पर ये कार्य कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप खुद इसी से अंदाज़ा लगाइए कि किस तरह से ये कार्य किया जा रहा है। शहर की कोई भी सड़क आपको सही नहीं मिलेगी, जहाँ भी ये कार्य किया गया है वो सड़क पूरी सही हो ही नहीं पाई है। लेकिन ये जो सड़क मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ब्लैक टॉपिंग की गई थी, ब्लैक टॉपिंग के बाद ये हाल है। हालांकि बरसात का मौसम चल रहा है, बरसात होगी तो उस समय इस सड़क का क्या हाल होगा। स्कूल खुलने वाले हैं, स्कूल जब खुलते हैं यहाँ पर 1.5-2 घंटा यहाँ पर जाम लग जाता है, गाड़ियाँ फंस जाती हैं, लेकिन कोई भी इसकी सुध लेने वाला नहीं है। यहाँ पर प्रशासन के साथ साथ मैं ये कहूँगा जो भी एजेंसीज यहाँ पर लगी हैं उन्हें इस पर गौर करना होगा। पूरे शहर की सड़कें
पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी हैं। ये जो आज मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ ये हटके इसलिए है क्योंकि इस जगह पर ब्लैक टॉपिंग की गई है। किस तरह से ब्लैक टॉपिंग की, देखिए यहाँ पर आधा आधा फीट और 6-6 इंच जो है वो अपनी जगह बैठ चुकी है नीचे जहाँ पर ये ब्लैक टॉपिंग की गई है। बहुत बड़ा सवालिया निशान है, इसके ऊपर ज़िला प्रशासन को भी गौर करना होगा और जो भी एजेंसीज इनके ऊपर बैठी हैं जो इन्हें मॉनिटर करती हैं उन्हें भी देखना होगा। देखिए यहाँ पर जिस तरह से ये पूरा, देखिए गाड़ी आ रही है, बाइक सवार आ रहे हैं, देखिए फैमिली के साथ कितनी मुश्किल यहाँ पर आ रही है। ये जनता का पैसा किस तरह से बर्बाद हो रहा है आप इसी से अंदाज़ा लगाइए। लोगों के टैक्स से ये पैसा जा रहा है। 186 का करोड़ का प्रोजेक्ट कोई छोटा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जिस तरह से उधमपुर शहर में ये कार्य चल रहा है इसके ऊपर गहनता से सोचने की ज़रूरत है। अगर सीवरेज विभाग ने, यूईडी विभाग ने कार्य करना है तो पहले एक जगह को पकड़ें, पहले उसे कंप्लीट करें, उसके बाद दूसरी जगह जाएं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ब्लैक टॉपिंग की, हालांकि यहाँ पर पूरी इंस्ट्रक्शन दी गई हैं, पूरी तरह से इन्हें बताया गया है कि किस तरह से कार्य करना है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए कि किस तरह से कार्य हो रहा है, ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अब दोबारा से इस सड़क को उखाड़ा जाएगा, फिर दोबारा ब्लैक टॉपिंग की जाएगी, जो पैसा इस पर बर्बाद होगा वो किसका पैसा है? वो आम जनता का पैसा है। इसके ऊपर सोचने की ज़रूरत है, ज़िला प्रशासन को भी सोचने की ज़रूरत है और साथ में जो JKUT प्रशासन है उसे भी सोचने की ज़रूरत है। हालांकि दो दिन पहले उधमपुर के पूर्व विधायक जो बलवंत सिंह बनकोटिया हैं उन्होंने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि इसकी CBI इंक्वायरी होनी चाहिए। यहाँ पर जो भी एजेंसीज आती हैं वो अपना कार्य करती हैं, चल पड़ती हैं, लेकिन उसके बीच में देखिए किस तरह से ये खड्डे यहाँ पर बन चुके हैं, ब्लैक टॉपिंग हो चुकी है, उसके बाद भी ये हाल है। ये तो मिस्र आपको सैला तालाब से लेकर जो विनय चौक है वहाँ की मैं आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। बरसात का मौसम चल रहा है, दो दो महीने से जो सड़कें उखाड़ी गई अभी तक वहाँ पर जो है ना ही ब्लैक टॉपिंग की गई ना ही उसे ठीक किया गया है। लोगों के घरों में गाड़ियाँ नहीं जा रही हैं, लोग घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, इसके ऊपर कौन गौर करेगा? इसके ऊपर गौर करना बहुत ज़रूरी है। ज़िला प्रशासन को भी देखना होगा, यूटी प्रशासन को भी देखना होगा और जिस तरह से ये कार्य किया गया है इन्हें पेनल्टी लगानी चाहिए। जिसने कॉन्ट्रैक्टर ने काम किया उसके ऊपर पेनल्टी भी लगानी चाहिए, ब्लैक लिस्ट करना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे ठेकेदारों को ब्लैक लिस्ट करना चाहिए जिस तरह से ये कार्य किया गया है। लोगों का पैसा ये बर्बाद किया गया है, इसको सोचने की ज़रूरत है।